ያቀለበትከው? የሆነ ነገር ከናከለ नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं जीविका में कार्यरत हूं 2010 से। ये तो ग्राम संगठनों के लिए ये सवाल पूछा गया है और आगे आने वाले दिसंबर में 2018 में एग्ज़ाम होने वाला है और इस चीज़ की और इस सवाल की जानकारी आपको चाहिए तो मैं इस वीडियो के नीचे अपना नंबर डाल दूंगा, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और इसका मैं सारे प्रश्न का जवाब आप लोगों को बता दूंगा फ़ोन के माध्यम से ही और सारे सवाल आप याद कर और सकते हैं। और SHG के बारे में भी मैं सवाल अपलोड करूंगा, पहले क्वेश्चन उसके बाद आंसर अपलोड करूंगा। ये तो अभी फ़िलहाल में मैं इसका क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और जो समझ में नहीं आता है फिर आप हमको उस नंबर पर कॉल कीजिए, मैं इसको सारे क्वेश्चन का जवाब आप सबको दूंगा। धन्यवाद, मैं हरिशंकर कुमार। इसको देखने के बाद आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये जो आप देख रहे हैं निम्न समूहों के आधार पर चावल बेचा गया, क्रम संख्या है, उसके बाद समूह का नाम है सीता और गीता, लक्ष्मी और अभिलाषा, मात्रा है 1000, मतलब 1000 मात्रा चावल का हुआ, दर का हुआ 24 रुपये दर हुआ और राशि कुल जोड़ के हुआ 24000। उसके बाद है दिनांक 1/5/2017 को लेखन सामग्री रुपए खर्च। उसके बाद निम्नलिखित समूहों का नगद ICF वापसी, तो ये क्रम संख्या है, ये समूह जो वापसी किया है वो उधार पे है, मूलधन है और ब्याज है और क्रमांक कुल है, तो ये जो है रोकड़ वही कैशबुक में लिखा जाता है, इसका एंट्री किस प्रकार से होता है, अगर जिसको जानकारी चाहिए तो मैं सारा कुछ आपको बताने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिए और SHG प्लस समूह के ऋण पुस्तिका तैयार करने के लिए जो भी समस्या आप लोग को आता है इस पे आप कॉल कीजिए, मैं आप लोग को सारा कुछ बताऊँगा। वो देखिए नीचे लिखा है, निम्नलिखित प्रश्न के आधार पर इन पुस्तिका बनाए, दिनांक 1/4/2016 से शक्ति भियो ने सीता SHG को 10000 ऋण दिया और पिछ जिसे अगले माह से 5 बार किस्त में वापस करना है, पिछले माह कुछ भी वापस नहीं किया, दूसरे माह सिर्फ ब्याज वापस किया, तीसरे माह मांग के अनुसार वापसी किया, चौथे माह सिर्फ 100 रुपये की वापसी की और पाँचवें माह मांग के अनुसार वापसी की। तो ये सारा क्वेश्चन का जवाब मैं आप सबों को दूंगा, धैर्य से आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ के जो समझ में नहीं आता है हम मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, मैं आप सबों को बताऊंगा कि इसकी क्वेश्चन क्या है। आने वाले बिहार जीविका परियोजना CC का बहाली जो होगा उसमें आप सबों को ये जानकारी अति आवश्यक है। SHG क्या होता है, SHG किसे कहते हैं, VO किसे कहते हैं, VO का क्या काम है, SHG का क्या काम है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस चीज़ को आप जरूर देखें और इस देखने वाली बात है और इसको लाइक और सब्सक्राइब और बेकायलन इसको जरूर करें और इस चीज़ के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिएगा, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।